सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अगर आप भी चिंताओं से घिरे रहते हैं तो एक लोटा जल आपकी सभी चिंताओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। जी हां, मथुरा का चिंताहरण महादेव भगवान के मंदिर के पास से बहती यमुना के एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। मथुरा का चिंताहरण महादेव मंदिर। माँ यशोदा की भगवान शिव ने यहाँ दूर की थी चिंता। यहाँ एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा हो जाते हैं खुश। बाबा हर लेते हैं अपने भक्तों की सारी चिंता। सिद्ध है कृष्णकालीन ये शिवालय। पुराणों में भी है चिंताहरण महादेव का वर्णन। शयन आरती तक होता है यहाँ जलाभिषेक। सावन में शिव भक्तों की श्रद्धा शिव मंदिर पर उमड़ पड़ी है। पूरे देश भर के लोग शिव भक्ति में लीन हैं और मथुरा का एक मंदिर है जहाँ भोलेनाथ भक्तों की सारी चिंताओं को दूर करते हैं। जी हाँ, मथुरा में जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जो कि चिंताहरण महादेव मंदिर के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ पर दूर दराज से लोग पूजा आराधना करने और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है तो उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन ये शिवालय काफी सिद्ध है। यहाँ पर भगवान शिव चिंताहरण महादेव के रूप में विराजित हैं। बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर शिवलिंग पर एक जल चढ़ाने से 108 शिवलिंग का पुण्य मिलता है, और जैसा कि ये नाम है इनका, ये माना जाता है कि ये जितनी भी आपकी चिंताएं हैं वो सारी हर लेते हैं, इसलिए इनका नाम चिंताहरण महादेव भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ सावन के सोमवार चल रहे हैं और शिव जी का एक अलग ही महत्व है सावन के सोमवारों में, तो यहाँ पर जितनी भी सोमवार हैं वहाँ पर अच्छा खासा जमावड़ा होता है भीड़ का, और ये माना जाता है कि आपको सावन के सोमवार में यहाँ शिव जी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, तो जितनी भी चिंताएँ हैं वो सारी महादेव आपकी हर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने 7 साल की आयु में इस जगह पर मिट्टी खाई थी। माँ यशोदा ने कृष्ण से मिट्टी को मुंह से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने मुंह नहीं खोला और मिट्टी बाहर नहीं निकाली तब तो माँ यशोदा को चिंता हुई। उन्होंने भगवान का मुंह खोल जैसे ही मिट्टी निकालने का प्रयास किया, वैसे ही भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए थे, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गई और भगवान शिव को पुकारते हुए मूर्छित हो गई। तभी भगवान शिव तुरंत ही प्रकट हो गए। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान हो सभी भक्तों की चिंताएं हरने का शिव जी से वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा को वचन दिया। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। मान्यता यह है कि जो यथा नाम तथा गुण, जैसे परमात्मा का नाम है ऐसे अनुभव मैंने किया है, और आज भी यहाँ चिंताओं का हरण होता है। चिंताहरण महादेव का यही मैंने जो है अनुभव किया है मान्यता। दूसरी बात यह है कि चिंताहरण महादेव जो है कैलाश से कन्हैया के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रकट हुए थे। यहाँ से योगी के रूप में यशोदा के घर गए
यशोदा के घर गए कृष्ण के दर्शन के लिए। यशोदा ने दर्शन नहीं कराया, बाबा ने इधर जो है आकर के तपस्या किया। कुछ दिन पीछे कृष्ण ने अपनी लीला दिखाया यशोदा को, मिट्टी खाया, मुखमा ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा को चिंता हो गई। जब यशोदा को चिंता हो गई तो बाबा ने अवसर देखा, आकाशवाणी किया, यशोदा चिंता मत कर, अपने लाला को लेके मेरे पास आ जा, मैं तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूँगा। यशोदा चिंता से व्याकुल अपने लाला को कान पकड़ कर ब्रह्मांड घाट से उधर ली, हाथ जोड़ करके बोली, बाबा मेरे लाला को क्या हो गया? बाबा ने इधर दर्शन किया, प्रणाम किया, यशोदा को बताया, यशोदा ये तेरा लाला नहीं जिसे तू लाला समझती है, ये जगत पिता पार ब्रह्म परमात्मा है, इसके दर्शन के लिए मैं स्वयं शिव कैलाश से आया हूँ। तेरे घर गया तो उन्हें दर्शन नहीं कराया, इसलिए ये मायापति तुझे माया मोह में डालकर चिंता देकर मुझे दर्शन देने आया है। इसकी चिंता छोड़ दे, ये पूरा ब्रह्मांड की चिंता करता है, पूरे विश्व की चिंता करता है। यशोदा की सारी चिंताएं दूर हो गई। यशोदा ने कहा कि बाबा जैसे आपने मेरी चिंता का दूर किया, वैसे जो भी तेरे दरबार में आए उसकी सारी चिंताओं का हरण कर ले। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे तब सभी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने ब्रज में आए। भगवान शिव भी कृष्ण जी के दर्शन करने आए, लेकिन माया यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देख कर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंता हर ली। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यहीं पर विराजमान हो गए। चिंतारण मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है और विशाल और भव्य मंदिर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यमुना किनारे है। दूसरी चीज़ बहुत सी, यानी कि वहाँ सावन के सोमवार पर तांता लगा रहता है। आए दिन मैं हर सोमवार को वहाँ दर्शन करने जाता हूँ तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। यहाँ एक, यानी कि हर एक व्यक्ति चिंतारण जाता ही जाता है। सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है वहाँ, जो दर्शन जो शुरुआत होती है वो सुबह 4 बजे से होती है और रात तक तांता लगा रहता है, रात को 8 बजे। भगवान भोले के चिंताहरण महादेव की महिमा का उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। ये शिवलिंग अद्भुत है, पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। ब्रज 84 कोस में एकमात्र यही ऐसा शिव मंदिर है जहां पर शयन आरती से पहले तक भक्त जल चढ़ा सकते हैं। मनोकामना पूरी होने के लिए यहाँ भक्त मंदिर का घंटा बजाते हैं और चिंता दूर होने पर दीपक जलाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। ये शिवलिंग बहुत ही अद्भुत है। पाषाण के इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। इसकी चमत्कारिक मान्यता के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों की सभी चिंताओं को भगवान शिव एक लोटा जल चढ़ाने से हर लेते हैं। वहीं भक्त यहाँ पर शिव जी को बेलपत्र और फल भी चढ़ाते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। सभी चिंताओं से मुक्त होकर यहाँ भोले की भक्ति में डूबकर सभी भक्त नाचते गाते हैं। कीर्तन मंडली द्वारा यहाँ पर हर रोज भगवान भोले के भजनों को गाया जाता है, जिससे कि भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखे और वे हर चिंता से दूर रहकर अपने जीवन को खुशहाल बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।